यूपी के लखीमपुर में बीती 3 अक्टूबर को हुई हिंसा भले ही थमी नजर आ रही हो, लेकिन उस पर सियासत बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 5 लोगों के साथ लखीमपुर में 2 पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच रहे हैं। वह थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर जा रहे सचिन पायलट यूपी गेट पहुंचे हैं। यूपी पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लखीमपुर जाने का ऐलान कर निकले कांग्रेस नेता राहुल की फ्लाइट ने लखनऊ के लिए उड़ान भर ली है। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। उधर बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वे जमीनी हकीकत जानने के लिए लखीमपुर जाना चाहते हैं। जब ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं हो तो फिर भाई बहन रोज जजमेंट क्यों पास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भूल जाते हैं कि राजस्थान और पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। लखीमपुर में किसानों के साथ समझौता होने के बाद शांति स्थापित हो गई है। वहाँ किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।